हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। टीम इंडिया ने गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाते हुए जैसे ही ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के साथ ही बॉर्डर गावस्कर सीरीज अपने नाम की, दुनिया भर से भारत को जीत की बधाई मिलने लगी, क्योंकि विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ियों के ना होने के बावजूद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन भी भारत को इस जीत के लिए बधाई देने से खुद को रोक नहीं सके। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मिली तारीफ का पीएम मोदी ने भी जवाब दिया है। दरअसल जिस तरह से भारत में क्रिकेट को लेकर दीवानगी रहती है, कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी है, क्योंकि वहां तो नेशनल गेम ही क्रिकेट है। यही वजह है कि कोरोना महामारी के बीच ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आई भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज अपने नाम की, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने ट्वीट कर टीम इंडिया के साथ ही पीएम मोदी को भी इस जीत की बधाई दी। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अपने ट्वीट में लिखा, ऑस्ट्रेलिया में भारत की शानदार जीत के लिए भारतीय टीम और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। ये दो बेहतरीन टीमों के बीच खेला गया अद्भुत खेल था, जिसमें दोनों टीमों ने कठिन लड़ाई लड़ी। कप्तान टिम पेन और हमारी ऑस्ट्रेलियन टीम को भी बधाई, वो वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम की ओर से मिली इस बधाई का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद किया और लिखा, ये एक रोमांचक श्रृंखला थी जिसमें दोनों टीमों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया भले ही मैदान पर एक दूसरे के अजय योद्धा हों, लेकिन वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के साझेदार हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, तो वहीं भारत में इस खेल को लेकर जबरदस्त क्रेज रहता है। यही वजह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी भी चलती रहती है। साल 2014 में पीएम मोदी जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने तत्कालीन ऑस्ट्रेलियन पीएम टोनी एबॉट से क्रिकेट के मुद्दे पर चर्चा की थी। 2015 के विश्व कप से ठीक पहले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, तो वहां के तत्कालीन पीएम टोनी एबॉट ने सबसे पहले क्रिकेट का ही जिक्र किया था और कहा था कि उनके देश के लोग भारत को क्रिकेट से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मोदी के पास बोर्ड पर काफी रन है। टोनी एबॉट के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी कहा था, हम डॉन ब्रेडमैन और सचिन तेंदुलकर सरीखे महान क्रिकेटरों की उपलब्धियों पर मिलकर फक्र करते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया की रफ्तार के कायल हैं, जिस तरह से आप शेन वॉर्न के आने से पहले हमारी फिरकी के मुरीद रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा पीएम मोदी मालदीव्स के साथ भी क्रिकेट डिप्लोमेसी आजमा चुके हैं। उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली को साल 2019 विश्व कप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के हस्ताक्षर किया हुआ बैट गिफ्ट किया था। प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा पर गए पीएम मोदी ने आश्वासन दिया था कि भारत मालदीव में क्रिकेट को बढ़ावा देने और लोगों को एकजुट करने के लिए, देश में खेल विकसित करने के लिए राष्ट्रपति सोली के मिशन को पूरा करने में मदद करेगा। क्रिकेट पॉलिटिक्स में माहिर पीएम मोदी जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गए थे, तो उन्होंने मेलबर्न ग्राउंड पर दिए गए ऐतिहासिक भाषण में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर टोनी एबॉट, मिनिस्टर्स, प्रीमियर ऑफ विक्टोरिया, लीडर्स ऑफ विक्टोरिया, फ्रेंड्स, ऑल द एमिनेंट पीपल गैदर्ड हियर एंड आवर ग्रेट क्रिकेटियर्स, दिस हैज बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजिट to Australia. You hosted a great G20 summit. It showcased Australia's global role. Congratulations. In the past 4 days, I have experienced everything that Australia is known for, natural beauty, sunshine, great cities, friendly and cheerful people, and strength that have made you an economic force in the world. Prime Minister, you have been truly generous
with your hospitality and warmth. I am deeply honored that you have come to Melbourne to host such a wonderful reception. Thanks a lot. This memory will stay with me forever. It touched my heart. I can tell you that not only me, but all Indians are deeply touched by this reception. Many Indians wake up early on a cold December morning to watch on TV a Boxing Day. At this magnificent stadium. I know that India has not done particularly well in this ground. But we won the 1985 Champions Trophy here, and Gavaskar and Kapil Dev are here. Age is Lakshman, who especially loved to bat against Australia. To speak to you at this historic ground comes close to scoring a century here, especially against McGrath and Brettley. This will be a deserving venue for the Cricket World Cup Finals 2015. I hope that our two teams will play that match. We can learn from Australia's famous sporting skills in other areas. And we have decided to collaborate on a sports university in India. It is said that Melbourne is the best city in the world to live in. Sydney might not agree. India can learn from Australian experience and benefit from your expertise. I want to build a future when every Indian can say, yes, my life has improved and my environment has become better. I'm confident that we will achieve it with the support of the people of India and through the talent and energy of 800 million youth below the age of 35. A successful India will be a vast opportunity and a force of good for the world. We look forward to closer partnership with friends like Australia. Prime Minister Abbott and I have spent a good part of this week together. I have also met the political leadership, business leaders, and the vibrant Indian community. We have achieved a lot in the last few days, on thing we all agree on. The bonds between the countries are made strong by joint hands of our people. So our exchanges in sports, tourism, education,
एंड कल्चर आर ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर आवर रिलेशनशिप. आई फील ग्रेट कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर ऑफ आवर रिलेशनशिप. माई मेमोरेबल विजिट टू ऑस्ट्रेलिया एंड्स टू नाइट, बट आई न्यू जर्नी ऑफ आवर रिलेशनशिप हैज बिगन. थैंक यू एंड होप यू आर कमिंग टू इंडिया सून. थैंक यू. मैं जब यहां आया, टू इंडियन पीपल रिक्वेस्टेड मी दैट आई शुड स्पीक इन हिंदी. नहीं, भाषा का झगड़ा करने के लिए हम यहां नहीं आए हैं. मैं ऑस्ट्रेलिया की कई बातों से बड़ा प्रभावित हूं. हम जानते हैं कि एक शब्द से हम बहुत परिचित हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उस शब्द का प्रयोग होता है. पारिवारिक जीवन में भी होता है, भाइयों के बीच में भी होता है, व्यापार में होता है, हर छोटे मोटे व्यवहार में होता है. और वो शब्द है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है. और अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट संभव नहीं है. और ऑस्ट्रेलिया के पास ये दोनों अमानत है. स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है. और मैं मानता हूं ऑस्ट्रेलिया सारी दुनिया को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक्सपोर्ट करे. मैं बहुत आभारी हूं. और जैसा टॉनी ने कहा, एक ऐसा हमारे दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता बन गया है जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता. और शायद किसी दो देश के मुखिया के लोगों के बीच में ऐसा नहीं होता है, बड़ी फॉर्मेलिटी होती है. हम दोनों के बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. बहुत बहुत धन्यवाद.